ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज बैंक निफ्टी ने आपको क्या ही मूव दिखाया। निफ्टी हालांकि नहीं चली थी, लेकिन बैंक निफ्टी था। लेकिन हम लोगों ने ये मॉर्निंग 9:08 पे ही कर लिया था कि बैंक निफ्टी बेटर हो सकती है निफ्टी से। ठीक है, ये चीज़ थी। आज यूट्यूब पे सारा दिन लाइव थे, पूरे दिन ही लाइव रहे। आप जाके देखें, लाइव सेशंस में आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या डेटा बना है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें देखने मज़ा आएगा। आज हुआ क्या मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी जब यहाँ पे थी, यहाँ से नीचे भी आ रही थी ना, तो भी हम लोगों ने क्या देखा था कि हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट तो नहीं करेंगे, पुट साइड बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे। 41,500 के बाद टूटेगा तो सोचेंगे जाने का, उससे पहले हम सोचेंगे भी नहीं बैंक निफ्टी में जाने को। समवेयर अराउंड यहाँ पे हम लोगों ने बाय भी किया था, मार्केट थोड़ा नीचे आया था, और फिर आपका लास्ट तक 22 रुपये वाली कॉल आज 160 रुपये गई। जो हम लोगों ने बाय भी करी थी 160 वाली कॉल, वो आपकी 560 गई। ठीक है ना, हालांकि बुक 300 के आसपास ही कर दिया था उसमें। ये लाइव ट्रेडिंग अब मैं यूट्यूब पे नहीं लूँगा, ठीक है, ये मैं लूँगा ऐप पे। ठीक, दो तरीके हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि किस तरीके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जा सकता है, क्या करा जाए। या तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ होता है, ठीक है, या फिर आप अकाउंट ओपन कर लोगे, ठीक है, तो आपके लिए डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेड कर लोगे, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये आपका कोई चार्ज नहीं। दैट मीन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेडिंग चीज़ मिल जाएगी। जैसे बैंक निफ्टी का लिखा था, आरवी शीट्स वगैरह, वो सब चीज़ें आपको फिर मैं उसी लाइव में ही सिखा दूंगा। और सच बात बताऊँ तो लाइव का मज़ा ही कुछ और है। मैंने आपको एक बात बताया हुआ, ये बात कि जो मैं चीज़ें ना यहाँ पे प्रीवियसली एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे ये ऐसा था वैसा था, वो लाइव में ना बात ही अलग होती है। तो वहाँ पे लाइव में मिलते हैं। आप ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लेना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, ये अपना बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ, ओपन गैप अप हुआ, मार्केट नीचे आया, उसके बाद इसने एक इस तरीके से यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्शन बन गया। ठीक, ऑब्वियसली इतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इतना नहीं था। मेरा पर्सनल टारगेट 950 तक का था कि आपका 41,950 तक इसको जाना चाहिए। एक यूट्यूब पे लाइव थे समीक्षा, उन्होंने कहा था कि 42,050 पे जाएगा, मुझे एनालिसिस में क्रेडिट दे देना, तो उनको क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, अभी चलते हैं इस पे। कहीं पे भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी को शॉर्ट की बात ही नहीं करी थी कि पुट लेना है। ठीक, वन डे का चार्ट देखते हैं, 41,800 उसने क्रॉस कर दिया है। अब वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा, कौन सा, यही 674 इतना। ठीक है, मार्केट नीचे भी आएगा तो आने वाले टाइम में यहाँ से आपका फिर से रिट्रेस करके ऊपर आएगा। ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से देखे जा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, क्योंकि बायर्स में जब स्ट्रांग इतने होते हैं तो ये आपका ब्रेकआउट जेन्युइन होता है, लेजिट होता है। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं इंट्राडे में भी, तो इंट्राडे में भी सेम सिचुएशन होती है कि जब भी बायर्स आपके स्ट्रांग होते हैं, वो कैसे पता चलता है, बार बार नीचे से बाइंग आती है, बार बार नीचे से बाइंग आती है, दैट मीन्स बायर्स एग्रेसिव है। निफ्टी नहीं चली थी, अभी हम लोग निफ्टी की एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले हम लोग बैंक निफ्टी के देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका सपोर्ट एरिया का। तीन केसेस होंगे, गैप अप, साइडवेज और आपका रेंज में खुलने का। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेड बताया था ना, वैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये गैप अप खुलेगा तो शॉर्ट की साइड को भी ट्रेड ढूंढ सकते हैं, बशर्ते 5 मिनट्स की ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी। ठीक, साइडवेज खुलता है, ठीक है, तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और आरवी शीट का डेटा को चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप होगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग जिसको भी आना होगा आप आ जाना, उसी में मैं आरवी शीट का डेटा वगैरह सब चीज़ उसी में समझा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, गैप डाउन का केस थोड़ा सा मार्केट में अलग चीज़ ला सकता है, गैप डाउन का केस, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बैठे हैं आपके बायर्स, ये पूरे बायर्स बैठे हैं। ठीक, गैप डाउन खुलेगा क्या होगा, जिसने यहाँ बाय किया होगा, जिसने यहाँ बाय किया होगा, जिसने यहाँ बाय किया होगा। अब मैं आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा, मतलब इसमें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि मार्केट में बाइंग किस लेवल पे आई है। तो जिस लेवल पे बाइंग आएगी, जब उसके नीचे मार्केट जाना शुरू होगा, तब आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। वो मैं एनालिसिस करके आपको कम्युनिटी पोस्ट वगैरह टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल वो चीज़ मैंने अभी देखी नहीं वीडियो बनाने के दौरान कि किस जगह पर बाइंग आई है। फिलहाल आपको एक लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है, जहाँ से ब्रेकआउट आया है 41,800। दैट मीन्स अगर इसके आसपास आता है तो हम लोगों को बाइंग की साइड जाना है 41,800 गैप डाउन खुलने के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बनता है क्योंकि यहाँ पे आपका एक बार सपोर्ट है। अगर रेंज में खुलता है मार्केट तो इसके ऊपर फिर हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, स्विंग हाई क्रॉस करेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है फिर देखेंगे क्या यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी है, अगर ये रेजिस्टेंस बन जाती है गैप डाउन खुलने के बाद तो फिर हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इसका केस। गैप अप केस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर थोड़ा साइडवेज टू बेरिश, फिर उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा, और उस केस में फिर हम लोग देखेंगे ऊपर का ट्रेंड डिसाइड हो रहा है, नीचे का ट्रेंड डिसाइड हो रहा है। ठीक है,
वो चीज़ हम लोगों ने रिवर्सल में देख रखी है। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, 42,500 एक राउंड लेवल है, तो वहाँ पे अगर कोई बायर है, कोई बाय करके गया होगा तो वहाँ पे वो अपना बुक कर सकता है, ठीक है, 42,500। वहाँ पे अगर नहीं होता वहाँ पे फिर आपका डेटा देखेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिविटी बन रही है तो उसको होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर उसको बुक करेंगे, ठीक। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये सीधा वन साइड भागा है, तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, मैं किस इससे पहले कोई लेवल नहीं आ रहा, ये वाला जो लेवल है ना, ठीक है, तो ये आ गया और 42,500 आ गया, वो क्रॉस करेगा तो फिर आगे देखेंगे। अभी चलते हैं इसका ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, और ऑप्शन चेन के डेटा में क्या होता है। यहाँ पे आपके ये सारे कॉल्स ट्रैप्ड हैं, ठीक है। नीचे आपकी पुट राइटिंग है 42,000, दैट मीन्स 42,000 अभी थोड़ा सा आपका बेस का काम करेगा, यानी वही 41,800 ये आपके सपोर्ट एरिया का काम करेगा, ठीक है। पुट साइड में आपका देख लिया, ठीक। PCR को भी ध्यान में रखना, ठीक है। PCR अगर आपका ओवरबॉट में जाता है, 1.5 क्रॉस करता है, तो हम लोग को वहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाएगा। इस सारी चीज़ें फिर लाइव में ना मज़ा ही उसका कुछ और होता है, क्योंकि फिर मैं आपको बता सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये हाई बना ये चीज़ें, ठीक। अभी क्या करना है हमें, यहाँ से हम लोगों को कॉल राइटर्स थोड़े बहुत हैं, कॉल राइटर्स हैं, बाइंग है, कॉल बाइंग ही होगी, राइटर्स नहीं होंगे, बिकॉज इतना आपका बड़ा है। पुट राइटर्स आपके हैं, ठीक है, डेटा आपका बुलिश तक का दिख रहा है, थोड़ा सा पुट राइटिंग इन द मनी भी चल रही है, दैट मीन्स आपका 42,500 है, यानी 42,000 से 42,500 की रेंज है, ठीक है। उस रेंज के हिसाब से ट्रेड करेंगे, जिधर की साइड आएगा लोअर रेंज पे बाय करेंगे, अपर रेंज पे सेल करेंगे, ठीक। वैसा करके निफ्टी का डेटा और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो 18 लाख 11 लाख 10 लाख 2 लाख, और यहां पे आपकी 18,000 पे मैक्सिमम है, ठीक है, 25 लाख कॉल्स, यहां पे आपकी 27 लाख 10 लाख 8 लाख 9 लाख, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी में लोग पुट शॉर्ट ज़्यादा करके गए हैं ज़्यादा देन निफ्टी में, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल देखोगे तो निफ्टी में ज़्यादा मिलेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम मिलेगा। आज तो हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी ने ही मज़ा दिया है, ठीक। यहाँ पे आपका पुट राइटर्स भी है, कॉल राइटर्स भी है, तो 17,000 अगर मार्केट्स आपका गैप डाउन नहीं खुलती, थोड़ा सा गैप खुलती है, तो 17,800 नीचे की रेंज होगी और 980 ऊपर की रेंज होगी, ठीक है। ये रेंज को ट्रेड करेंगे फिर उस हिसाब से हम लोग, क्यों, इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाय करेंगे, इसके आसपास कोई नेगेटिव मिलेगा तो सेल करेंगे, इन केस ऑफ गैप अप, ठीक। ये निफ्टी का अपना बन गया। अब चलते हैं फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर चार्ट देखते हैं उसके। हमेशा ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि मार्केट में आज बाइंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है, कल अगर गैप अप खुलेगा तो आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट बुक करने आ जाओगे ना एकदम। कल भी हम लोग BTST जो बैंक निफ्टी की लेके गए थे बाय करके, वो हमने खुलते प्रॉफिट बुक किया ना, क्यों किया, बिकॉज आप खुलते प्रॉफिट देखा तो एक दफ़ा प्रॉफिट बुक करोगे, बाद में आप देखोगे कि कहाँ पे जा रहा है। सेम चीज़ इसमें भी होता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा 9:15 बजे केस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ बेहतर तरीका होता है उस करने में, अगर आपका बाइंग आई और फिर गैप अप खुलता है तो। 4 लाख 8 लाख 2 लाख, नीचे 6 लाख 8 लाख 4 लाख, दैट मीन्स इसमें भी आपका बुलिश है। फिन निफ्टी में ऑप्शन बाइंग भी होती है ऐसा मुझे दिखता है, जैसे ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा चलती है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसमें आपकी ऑप्शन बाइंग भी होती है, इसीलिए आपका इसका PCR अभी हम लोग जज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी डेटा नहीं ना। निफ्टी बैंक निफ्टी तो हम लोग सालों से कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास डेटा है, तो वो डेटा देख के पता चल जाता है, इसका उतना डेटा नहीं, 6 महीना पुराना इंडेक्स है। अभी चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं उसमें कहाँ पे लेवल्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। निफ्टी ने आज निफ्टी को पीटने का किसने काम किया आप बताओ मुझे, ठीक है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे आपका ट्रिपल टॉप था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी में तो हम लोगों ने शॉर्ट साइड का सोचा था कि पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे, बैंक निफ्टी में हमें नहीं लेना था, ठीक है। ये नीचे आया, उसके बाद आपका 775, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट लेवल, कौन सा 17,775, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन कोई मिलेगा तब उसको बाइंग के साइड कंसिडर करेंगे, ये आपका इसमें ब्रेकआउट आया था 775 के ऊपर ही, ठीक है। और ये ब्रेकआउट कोई ब्रेकआउट निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं है, खुद का निफ्टी का नहीं है, बैंक निफ्टी की देन है, ठीक है ना। मतलब आप सोचो कि निफ्टी अपनी वजह से भागा, नहीं, बैंक निफ्टी की देन थी, ठीक। IT तो पूरी ताकत से गिराई रही थी निफ्टी को, अब है HDFC बैंक का रिजल्ट, ठीक है। HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा कि बैंक निफ्टी में फ्रेश हाइस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी आया तो भी बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि HDFC बैंक जो है आपने देखा हुआ वो ऑलरेडी पिछले दिनों में चल चुका है, ठीक है ना। तो मतलब रिजल्ट को बीट ही करना चाहिए एस्टिमेट्स को, तभी आपको मार्केट में अच्छी चीज़ दिखेगी, ठीक। और फिर गाइडेंस जो आती है मैनेजमेंट की वो कैसी आ रही है उस पर डिपेंड करता है।
तो निफ्टी में अगर हमने को बाइंग मिलेगी तो इस जगह पे बाइंग मिले, ठीक है, तो हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, वही 17,000 जो रेंज बनी थी ऊपर, आपका लेवल थोड़ा पीछे से आएगा निकल के, यहाँ पे नहीं है आसपास कोई, ये वाला स्विंग हाई है, ठीक, ये स्विंग हाई बजट वाले दिन का है, आई थिंक बजट वाले दिन 980 के आसपास गया था, वही मैंने आपको 980 का है। अब यही जो आप कहते हो ना कि आपको लेवल्स कैसे होते हैं, ट्रेडिंग जब आप फुल टाइम करते हो, हर समय देखते रहते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, हर समय एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ध्यान आ जाता है कि किस दिन क्या हुआ था है ऐसा करके, ठीक है। शॉर्टिंग का मतलब हम लोग बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स या निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को ख़त्म कब करेंगे, इस लेवल के टूटने के बाद, कौन सा लेवल निकल के आ रहा है वो 17,700 के नीचे, जब मार्केट क्लोजिंग दे जाएगी तब हम लोग इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को छोड़ेंगे और फिर अपना बोथ साइड का ट्रेड ढूंढ लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में वो लेवल आ रहा है आपका 41,400 जो हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, ठीक है, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा शॉर्टिंग के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, बाकी रिजल्ट डिसाइड करेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, ठीक। तो ये आपका निफ्टी का हो गया, फिर निफ्टी का और देख लेते हैं, फिर आपका एनालिसिस हो जाएगी ख़त्म। स्टॉक्स पे मैं काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, जैसे ही आपको ऐप में स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, आपको स्टॉक्स इन फोकस करके आएगा, उसमें जो स्कैनर बनाया हुआ उसको स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, होम पेज पे। ऐप का ट्यूटोरियल दे दूंगा मैं, वो किस तरीके से चलाना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, उसमें एक चैट का फंक्शन है, मतलब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, ठीक है, जिसने ए टू जी भी लिया हो, जिसने जो भी दिक्कत आती है उस चैट्स में मेंशन कर दोगे ना, तो आपकी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन इसका इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट 19,000 के आसपास, 19,000 एक राउंड लेवल, 42,500 एक राउंड लेवल, 18,000 एक राउंड लेवल। तो अगर वहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो ये मत समझ लेना कि अब ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो नीचे से बाइंग करके आया है वो पोजिशनल बाइंग जिसको बोलते हैं, वो आके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा वहाँ से रिट्रेस कर जाए, ठीक है, आपको राउंड लेवल सारे पता चल गए। और कायदा भी यही कहता है राउंड लेवल से 50 पॉइंट नीचे अपना भी प्रॉफिट बुक बांध लो, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका बैंक निफ्टी का आज टारगेट 41,950 ही लगाया था कि यहां तक, क्योंकि 42,000 आपका एक राउंड लेवल था, चले गए ऊपर वो बात अलग है। तो ये आपका फिन निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहा है, एक तो ये है जो आज का ओपन प्राइस है, क्या है वो लेवल 18,725। मतलब अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो यहाँ पे आके कोई आपको पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो आप बाय जा सकते हो, आज का हाई टूटेगा तो आप अपना वो कर सकते हो, गैप अप और गैप डाउन दोनों ही केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, ठीक है, वैसा करके। बाकी लाइव ट्रेडिंग का जो सैंपल देखना है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, कई 4-5 दिन मैं ले चुका हूँ, ठीक है, तो आप देख लेना वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।